हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड खजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। दोस्तों, इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हम आपके लिए नई नई रेसिपीज लेके आते रहेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी दही का पौष्टिक नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर टमाटर लिया है, प्याज लिया है, एक बाउल में हमने सूजी ली है, एक बाउल में दही लिया है। तो उसके बाद एक जार लेंगे, जार में हमने यहाँ पे देखिए सूजी जो है ऐड की है, दही भी हमने ऐड कर लिया है, और उसके बाद एक हरी मिर्ची जो है हमने ऐड की है, और साथ में हमने रिफाइंड ऑयल हमने ऐड किया है। तो उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे पानी जो है ऐड किया है, और अच्छे से इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारा पेस्ट जो है वो एकदम रेडी हो चुका है। एक बाउल लेंगे, बाउल में हमने पेस्ट जो है वो निकाल लिया है, और उसके साथ में हमने यहाँ पे कटा हुआ टमाटर जो है वो ऐड कर दिया है, कटा हुआ प्याज हमने ऐड कर दिया है, स्वादानुसार नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है, और साथ में हमने इनो जो है वो ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से आप भी इसको मिक्स करिए। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप फटाफट से इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने बाउल लिए हैं, तो बाउल में हमने अच्छे से इसको इसमें तेल लगा दिया है अच्छे से। तो जो हमने पेस्ट जो तैयार किया है वो हमने इसमें पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है। ये देखिए, इसी तरह से आप भी बनाइए फ्रेंड्स, और यकीन मानिए आप एक बार बनाएंगे, बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही पौष्टिक होते हैं। और ये देखिए, अब हमने थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए हमारे जो ये हमने बनाया है, इसको हमने देखिए स्टीम बिल्कुल अच्छे से ये स्टीम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से निकालना है। ये देखिए, इसी तरह से आपने भी इसको इसी तरह से आप निकालिए, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो ये देखिए, जो सूजी दही का नाश्ता जो है वो हमारा वो बनकर एकदम रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हमने इसको तड़का लगाना है। पैन लेंगे, पैन में हमने देखिए यहाँ पे ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी हमने यहाँ पे सरसों जो है वो ऐड करी है, थोड़ी चटकने देनी है इसको। तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको हमने थोड़ी देर के लिए रख छोड़ना है, ताकि थोड़ा थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए, एकदम बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें फ्रेंड्स। ये देखिए, बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। तो आप इसको, ये देखिए, इसको आप चटनी के साथ ले सकते हैं, सॉस के साथ ले सकते हैं, जिस चीज़ के साथ चाहें उसी चीज़ के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्पंजी से बनते हैं, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू।